हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर शिल्पी वर्मा और आज का ये वीडियो एक ऐसा वीडियो है जिसमें मैं आपके साथ एक पेशेंट का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। हो सकता है कि आप में से कई लोगों को इस तरीके की प्रॉब्लम हो, लेकिन सही ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से या सही गाइडेंस ना मिलने की वजह से कि कहाँ जाएँ और क्या ट्रीटमेंट लें, तो आप लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि ये जो एक्सपीरियंस है एक पेशेंट का, ये आपके काफ़ी काम आ जाए, तो इसको वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखें। तो फ्रेंड्स, ये जो केस है ये ऐसे पेशेंट का केस है जिनको प्रॉब्लम थी यूरिन इनकॉन्टिनेंस की। तो मैं आपको हिंदी में समझा देती हूँ, यूरिन इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम का मतलब होता है कि ऐसे प्रॉब्लम जिसमें आपको यूरिन पर कंट्रोल नहीं रहता है, आपको ऐसा लगता है कि आपको अभी के अभी यूरिन आ जाएगी। और कई बार ऐसा होता है कि आप बार बार यूरिन जाते हो और बहुत थोड़ी सी मात्रा में आपको यूरिन आती है, जस्ट लाइक बहुत कम बूंदें ही आप यूरिन की पास करते हैं, और फिर जब आप वापस आते हैं तो आपको फिर से वो 2 मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर ही आपको ऐसा लगने लगता है कि फिर से यूरिन आ रही है। और कई बार तो ऐसा होता है कि बाथरूम से बाहर आते वक्त भी आपको ये महसूस होता है कि नहीं, अभी मुझे थोड़ा और यूरिन करना है। तो इस तरीके की जो समस्या है मेरे इस पेशेंट को थी, तो ये पेशेंट लगभग मैं इनको लगभग 5 साल से जानती हूँ और ये कई सारी समस्याओं के लिए मेरे पास आते हैं, लेकिन इस समस्या के बारे में उन्होंने कभी मेरे से जिक्र नहीं किया। बिकॉज़ आप समझ सकते हैं कि ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में हर कोई बात नहीं करना चाहता। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर इस तरीके की किसी भी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं तो आपको इसका पूरा ट्रीटमेंट लेना चाहिए और आपको ज़रूर होम्योपैथी के द्वारा इससे फ़ायदा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस स्पेसिफिक केस के बारे में बात करें तो ये जो पेशेंट है इन्हें लगभग 15 साल से ये प्रॉब्लम थी। फ्रेंड्स, जब ये पेशेंट मेरे पास आए इनके पास अपने सारे लैब टेस्ट रिपोर्ट्स थी, सारे अल्ट्रासाउंड वगैरह थे, जिनसे कि हमें ये इसका कारण डिटेक्ट करने में कुछ मदद मिलती कि ऐसा क्यों हो रहा है और इनको ये प्रॉब्लम होने का क्या वजह है। लेकिन हमें ऐसी कोई भी चीज़ डिटेक्ट नहीं हुई, सारी इनकी जो रिपोर्ट्स थी वो बिल्कुल नॉर्मल थी और इनको ऐसी कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम नहीं थी जिसकी वजह से ये सिम्टम्स आ रहा हो। लेकिन जब डिटेल में इनकी केस टेकिंग की गई तो हमें ये पता चला कि लगभग 15 साल से इन्हें ये प्रॉब्लम है, और 15 साल पहले ये इंसिडेंट भी इनके साथ में हुआ कि ये लगभग 4 से 5 घंटे अपने अपने ऑफिस आवर्स के बाद लगभग 4 से 5 घंटे कि किसी के साथ में इतने ज़्यादा बातों में मशगूल थे और उनको ये बता नहीं पा रहे थे कि इनको यूरिन जाना है। तो क्या हुआ कि उस दौरान इन्होंने काफ़ी टाइम तक अपना जो यूरिन है उसको होल्ड करके रखा, और उसके बाद जब इन लोगों की बातचीत ख़त्म हुई, तो जब वो दूसरा व्यक्ति चला गया, तो ये जो पेशेंट है इनको अपना जो यूरिन है जिसको ये काफ़ी टाइम से कंट्रोल कर रहे थे उसका कंट्रोल इन्होंने खो दिया। अब इनको वहीं पर यूरिन हो गया और ये इसी कंडीशन में काफ़ी एक शर्मिंदगी वाली कंडीशन में ये वहाँ से अपने घर आए। और जो भी है फिर ये इंसिडेंट्स इनके माइंड में इस तरीके से रिकैप होने लगा कि अगर ये कहीं भी जाएंगे तो इनको यूरिन आ जाएगी, तो इस तरीके का डर इनके मन में कंटिन्यूसली आने लगा और ये थॉट जो है एक तरह से इनके सबकॉन्शियस में बैठ गया कि अगर ये कहीं भी जाएंगे या किसी भी मीटिंग में जाएंगे तो इनको यूरिन आ जाएगी। जबकि फिज़िकली इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो थॉट है इसकी वजह से इनको बार बार यूरिन जाने का सेंसेशन होता है। अगर ये अपने किसी भी और काम में बिजी है ये पेशेंट, तो इनको कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब इनके माइंड में ये थॉट आता है कि कहीं मुझे यूरिन तो नहीं आ जाएगी, मुझे कोई मीटिंग अटेंड करना है या मुझे किसी ऐसी सोशल गैदरिंग्स में जाना है, कोई ऐसी प्लेस पे जाना है जिस प्लेस से ये अनजान है, तो अगर इस तरीके की सिचुएशन इनको पहले से पता चलती है तो इनके साथ में ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इनको ऐसा लगता है कि ना कभी भी यूरिन आ जाएगी, लेकिन उनके माइंड में हमेशा से ये रहता है कि जब भी कोई मीटिंग अटेंड करेंगे या जब भी किसी व्यक्ति से बात करेंगे, अगर ये पहले से नहीं जानते, स्पेशली जानते हैं तो भी, लेकिन अगर स्पेशली पहले से नहीं जानते तब फिर बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है। जानते हैं तो ठीक है, थोड़ा कम होती है, लेकिन जब ये पहले से नहीं जानते हैं और कुछ अनजान लोगों से मिलने वाले होते तो उस टाइम पे इनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो फ्रेंड्स, इस पूरे केस को एनालाइज़ करने के बाद इस फियर को मैंने टॉप में रखा जब मैंने इनके लिए मेडिसिन सिलेक्ट की, और फिर जब मैंने इनको मेडिसिन देना शुरू की तो लगभग दूसरे या तीसरे दिन से इन्हें अपने यूरिन पर कंट्रोल का एहसास होने लगा। और लगभग 1 हफ्ते बाद उन्होंने अपना मुझे रिव्यू दिया कि मैम आई एम सो हैप्पी, आई कैन कंट्रोल माई यूरिन, एंड ही वॉज लाइक वेरी हैप्पी।
कि वो अपनी इस ट्रीटमेंट से काफ़ी खुश है और उन्हें अब लगता है कि वो मतलब अपनी यूरिन पे कंट्रोल कर सकते हैं, लोगों के सामने जाने का उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है और इस समस्या को वो थोड़ा सा साइड में रख के अपने काम पे ध्यान दे पा रहे हैं, उनका फोकस अच्छा हो रहा है। तो ये मेरे लिए काफ़ी एक अच्छी बात थी। तो जब इस तरीके के फीडबैक हमें मिलते हैं तो हमें लगता है कि यस, होम्योपैथी वर्क सो गुड। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को भी ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप भी इसी तरीके की किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और आपको नहीं पता कि क्या करना है, आप कई तरीके के ऐसे डिवाइसेस ढूंढ रहे हैं कि जिसको आप यूज़ करके उस टाइम में सेटिस्फाई हो सके, या उस टाइम में आपको ऐसा लगे कि जब भी यूरिन आ रही है तो आप किसी ऐसी जगह में पास कर सकें, जैसे कि कई लोग आजकल डायपर ढूंढ रहे हैं, कुछ ऐसी अदर डिवाइसेस भी अवेलेबल हैं जिसमें एक पाइप के थ्रू यूरिन आपका कलेक्ट हो जाएगा बैग में, तो किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी ये सब चीज़ें जो होती हैं टेम्पररी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत अनकंफर्टेबल आपको महसूस कराती हैं। इससे बेहतर होगा कि आप इस जगह पे होम्योपैथी को चूज़ करें। हमारे पास ऐसी काफ़ी सारी बेहतरीन मेडिसिन अवेलेबल है जो इन सिचुएशन से आपको बाहर निकालने में आपकी मदद कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे लगा कि मुझे आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, इससे आपको या आपके किसी अपने, आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव को फ़ायदा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप या आपके कोई भी रिलेटिव इस तरीके की किसी समस्या से गुजर रहे हैं तो ज़रूर उनको ये बताएं कि ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। हमारी होम्योपैथी मेडिसिन जो होती है ये पूरी तरह से साइड इफ़ेक्ट से फ्री होती है, तो आपको किसी भी तरीके की कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिवर पे, किडनी पे इन मेडिसिन का कोई भी बैड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो फ्रेंड्स, इन सारे केसेस जहाँ पर ना आपको कोई भी लैब टेस्ट में कुछ पता नहीं चलता है, आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल रहती है, लेकिन फिर भी कोई साइकोलॉजिकल रीज़न की वजह से आपके साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ऐसे में आपको होम्योपैथी चूज़ करना चाहिए, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। अगर आपका इससे संबंधित कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।